और ये जो हमारा संघ बना हुआ है चक्राता सहिया और कालसी, उस संघ का प्रवक्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सारी गतिविधियों से अवगत कराऊं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल आपको पूर्व में भी सूचित किया गया था, दोबारा आपको सूचना प्रेषित की जाएगी कि कल हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी के साथ, जो कि वर्तमान में MLA हैं, विधायक विकास नगर विधानसभा क्षेत्र से। और इस मीटिंग में हमारे साथ RSS संघ के भी कुछ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही हमारे जो NIOS DLED TET शिक्षक संघ के जो जिला प्रभारी हैं माननीय श्री अंकित नौटियाल जी और शाहरुख जी, वो भी इस मीटिंग में हमारे सम्मिलित होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जितने भी DLED TET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं या नहीं भी शामिल हैं लेकिन आने वाले समय में शामिल होंगे, मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप भी इस कल की महत्वपूर्ण होने वाली बैठक में शामिल हों। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम लगभग 11 बजे से इसी होमवर्क को पूरा कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी के सामने प्रस्तुत करने के लिए, और हम लगातार अपना होमवर्क जारी रखे हुए हैं ताकि हम अपनी पूरी बात जो वाकई में तथ्य है वो हम अपने माननीय विधायक जी को पहुंचा सकें, विधायक जी के माध्यम से हम राज्य सरकार को और राज्य सरकार में निहित माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम इस बात को पहुंचा सकें कि जो भी हमारे साथ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है। और मैं विशेष तौर पर हमारे जो NIOS DLED संघ के जो माननीय अध्यक्ष हैं श्री नंदन सिंह गोरा जी, मैं उनका बहुत ज़्यादा आभार, बहुत ज़्यादा उनके प्रति संवेदना, और बहुत ज़्यादा मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ कि वो जी जान से हमारे लिए, हम सबके हितों की रक्षा करने के लिए, हमारे भविष्य के लिए वो इतनी दूर नैनीताल में बैठे हुए हैं। और कल जो होने वाली महत्वपूर्ण जो मीटिंग है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है क्योंकि हम लोग, हमें पता है कि हम सही हैं, हमने कुछ अनैतिक नहीं किया, असंवैधानिक नहीं किया, सब संविधान के दायरे में रह के किया। इसीलिए आप सभी का मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि कल की महत्वपूर्ण मीटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित हों ताकि हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकें और जो भी हमारे साथ गलत किया जा रहा है उसका हम विरोध दर्ज करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, हमारे चतर जी हैं वो भी कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।